कैसे हैं आप लोग? आप लोग के कहने पे हम मैं वीडियो बना रहा हूँ पाइथन पे। आज हम लोग प्लॉट करेंगे पाइथन के अंदर यूजिंग मैट प्लॉट लिट फाइल से। ठीक है, तो मैं अभी जुपिटर नोटबुक यूज कर रहा हूँ। आप चाहो तो, आप में भी है तो आपको लैब गूगल यूज कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास ये है तो मैं ये यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको एक लाइब्रेरी फाइल इंस्टॉल कर इम्पोर्ट करना होगा, वो है मैट प्लॉट। ठीक है, लिप डॉट आपके पास पाई प्लॉट। अब उसको हम रखेंगे एज ए पी एल टी। जब भी कॉल करेंगे इस लाइब्रेरी को एज ए पी एल टी यूज करेंगे। ठीक है, कंट्रोल इंटर करते हैं, देखो कोई मसला नहीं। ठीक है, तो अब हमें प्लॉट करना है, तो सबसे पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए। डेटा आपके पास क्या है? एक्स आपके पास डेटा है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हम लीनियर डेटा बना रहे हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग आगे चल के एक्सेल से उठाएंगे, इम्पोर्ट करेंगे, तो हम पांडास यूज करेंगे लाइब्रेरी फाइल। तो फिलहाल तो अभी फिलहाल तो हम सिंपल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसके मजीद पार्ट्स हम मैं बनाऊंगा वीडियो, तो आप लोग लाइक करोगे तो आगे इंशाल्लाह तला हम बनाते रहेंगे। तो अभी हम लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हमारे पास ये जो डेटा आ गया एक्स वाई का लीनियर फंक्शन है। ठीक है, ये वाई जो एक्स फंक्शन है, तो अब इसको प्लॉट करना है पी एल टी डॉट प्लॉट। आपके पास क्या है? एक्स कॉमा वाई, और ठीक है इसको फिर शो करेंगे पी एल टी डॉट शो। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब इसमें आपके क्या है? लेबलिंग करना है। ठीक है, अब सबसे पहले लेबल करना है जो ग्राफ है। फर्स्ट करो, अगर मैं इसको करता हूँ एंटर, तो यहाँ पे आप देखो सिंपल सा ग्राफ बना हुआ है, कोई लेबल नहीं है। ये एक्स एक्सिस है, डाउनवर्ड एक्स एक्सिस है, ये ऊपर वाला वाई एक्सिस है, और हमने यहाँ टाइटल लिख दिया। ये कैसे देना है वो आप इस वीडियो में मजीद देखोगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम टाइटल लिखना है ऊपर, तो लिखोगे प्लॉट डॉट टाइटल। टाइटल में क्या लिखे नाम बताओ? हम देते हैं फंक्शन। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल एंटर देता हूँ, तो आप यहाँ पे लिखोगे पर फंक्शन। ठीक है, फंक्शन आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, एक्स लेबल करते हैं पी एल टी एक्स लेबल। ठीक है, और हम नाम देते हैं एक्स लेबल का एक्स एक्सिस। इसी तरह वाई एक्सिस हम करेंगे। ठीक है, प्लॉट पी एल टी डॉट वाई लेबल, तो ब्रैकेट में। ठीक है, अब सिंगल इन्वर्ट कॉमा हो या डबल, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, वाई एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे एस लिखना भूल गया, सॉरी। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या आएगा। यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, अब आपके पास फंक्शन लिखा है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो इसमें आपके पास जो प्लॉट है, इसको हम इसको कट करते हैं, इसको हम बाहर लिखते हैं। ठीक है, अब इसको प्रिंट करते हैं, देखो हम शो करते हैं। अब आपका फंक्शन वाई एक्सेस, ठीक है, यहाँ पे सारा फंक्शन, और ये वाई एक्सेस, और ये एक्स एक्स लिखा हो रहा है। अगर आप चाहो ये लाइन ब्लू से अब कोई और कलर हो जाए, रेड कलर, तो हम क्या करेंगे यहाँ प्लॉट में, ठीक है, हम आर लिखेंगे तो क्या होगा, रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, ब्लू चाह रहे हैं तो डी लिखोगे, अदरवाइज वो ब्लैक खुद ब खुद होगा, नहीं लिखोगे। ठीक है, ये ब्लू कलर होगा। सही है, आज की वीडियो में हमने सिर्फ देखा मैट प्लॉट लिप को कैसे यूज करते हैं पाइथन के अंदर। सही है, आप चाहे तो ये चीज मैं जुपिटर नोटबुक यूज किया, आप लोग यूज करो कोलैब से। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो आप लोग बताना जरूर कमेंट्स में, आगे हम मजीद इसको बताएंगे। आगे चल के हम एआई को यूज करेंगे, सेकंड लर्न को कैसे यूज करना है। तो सेकंड लर्न जो बना है मैट प्लॉट लिप से बना है, पाई से, और ठीक है और नम पाई से मिलके बना। खैर, हम इसको सेकंड लर्न को यूज करेंगे, आगे चल के रिग्रेशन लेसिस देखेंगे। ठीक है, बट ये कि आप थोड़ा थोड़ा ये इसको प्रैक्टिस कर लो, फिर आगे आपको समझ में आएगा नंपाई क्या होता है, मैटप्लॉट लिप का। अभी आज हमने मैटप्लॉट लिप को देखा, इसके जरिए विजुलाइज करना हमने सीखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग दुआओं में रखना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए, और कहते हैं हमें नहीं भूलना, और उसके लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और लाइक करना नहीं भूलना। ठीक है, थैंक यू।